हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हो एसपी स्टोन वर्किंग। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछली बार जो मैंने वीडियो डाली थी बाथरूम वॉल डिजाइन क्लैडिंग, तो उसी का ये दूसरा पार्ट मैं आज आपके सामने डालने जा रहा हूं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जिन लोगों ने वो वीडियो पिछली वाली वीडियो जो अभी तक नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख कर तभी इस वीडियो पर आए। क्योंकि यार, अगर आप उस वीडियो में नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगी। तो यार, उस वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। किसी ने कहा है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो इसी बाथरूम में हमने कितनी मेहनत की है वो सब आप देख सकते हो। और अगर आप भी अगर सच्चे मन से अगर इतनी मेहनत कर दोगे तो यार सच कहता हूँ कि आप कभी हार नहीं सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूं और ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यार, यहां पर हम इस पैनल को ख़त्म करके और पैनल के ऊपर लगाया है हमने वही 6 इंची का पट्टा जो नीचे लगाया था। उसके बाद में अब हम बनाते हैं 6 इंची में एक डिजाइन। तो ये डिजाइन में जो देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले जो पट्टी ली है, ये एक ब्रास लिया है 10 mm का, इसको हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ दिखाते जाएंगे कि हमें 6 इंची का डिजाइन जो बनाना है वो कैसे क्लियर करना है। तो ये ब्रास हम कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर एक मोल्डिंग ली है जो कि फुल राउंड की मोल्डिंग ली है। और जो ब्रास हमने जो लगाया है इसको हमने अपने क्लैडिंग वाले पत्थर से 10 mm बाहर लिया है। और जो ऊपर वाली मोल्डिंग लगा रहे हैं उसे भी हम ब्रास से 10 mm बाहर लेकर लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरीका का इसका इंटरफेस आपको दिखता जाएगा। अब यार, इसके बाद में हमें लेनी होगी 1.25 इंची की पट्टी जो कि आप देख सकते हो, और इसमें हमें 10 mm पे मार्किंग उधर कर लेनी है और साइड में 10 mm पे मार्किंग इधर कर लेनी है। दोनों तरफ मार्किंग करके फिर पट्टी को कर लेंगे हम खड़ा, और खड़े में इधर हमें 10 mm के बजाय हमें 8 mm मार्किंग करनी है। अब मैं बता देता हूँ, जो कि ये मार्किंग हम ले रहे हैं ये मार्किंग पे हमें चैम्फर नहीं मारना है, बल्कि इसमें हमें इतना हल्का गलता निकालना है दोनों साइड में। इसमें हल्का गलता निकालने के बाद ही इस पट्टी को हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हम इस पट्टी को क्लियर गलता निकाल कर और यहाँ पे आपके सामने लगा रहे हैं। और अगर आप लोगों के लिए गलता वाला फरमा वाली वीडियो चाहिए तो मेरे इसी चैनल पर गलता फरमा कैसे बनाएं उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि गलता फरमा कैसे बनाया जाता है। तो यार, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 3 पट्टियाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद फिर से हमें लेनी है ये 10 mm की, फिर से जो नीचे ही नीचे जो ब्रास हमने दिया था वो ब्रास हमें अब ऊपर लेना है। तो जो मोल्डिंग हमने ली है वो मोल्डिंग हमने इसी पे ले ली है, मोल्डिंग के बाद में हमको ब्रास देना है। तो आप देख सकते हो कि जो 2.25 इंची की पट्टी के नीचे जो हमने मोल्डिंग ली है फुल राउंड, वही हमने इसके ऊपर लिया है। अब इसके ऊपर हमको रखना है वही 10 mm का ब्रास। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ और आप भी इसको कंप्लीट देख करिए और समझिए, और तब आप कहीं पे भी ये डिजाइन बनाकर इसी तरीके का आप बना सकते हो। और ये जो हमने पट्टी जो ली है, ये जो मोल्डिंग ली है, ये हमारी मोल्डिंग थोड़ी बाकी मोल्डिंगों से थोड़ी बड़ी है, तो इसमें हमें 1 इंची की पट्टी में हमने ये मोल्डिंग बनाई है। और इस तरीके का ये डिजाइन आपके सामने निकल कर आया है। अब यार, हमको करना क्या है कि इसके बाद में हमें ऊपर जो हम पत्थर रखेंगे वो हमारा वी ग्रुप का होगा, जो कि आप देख सकते हो कि ये वी ग्रुप ब्लेड है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। वैसे हमें करना क्या होता है कि पट्टी जोड़ जोड़ के हमें और चैम्फर बना के वी ग्रुप बनाना पड़ता है, लेकिन आजकल ये ब्लेड मार्कर मार्केट में आ चुकी है, इसलिए हमें
ब्लेड से ही और सिंगल फीस में ही हम ये ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि ग्रुप बनाने से पहले हमें कंप्लीट मार्किंग ले लेनी है ताकि उन्हीं मार्किंग पे हम ग्रुप निकाल सकें। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम इसमें ग्रुप ये निकाल चुके हैं और अभी आपके सामने इसको हम फिटिंग करके भी दिखाएंगे कि किस तरीका से, जो मतलब सिंगल पीस में हमने कितने इसमें ग्रुप निकाले हैं, कैसा डिजाइन ये बनाया है। तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो यार यहाँ पर हम ये ग्रुप निकाल कर चुके हैं इसे कंप्लीट। अभी हम आपके सामने इसकी फिटिंग करने जाएंगे। ये जो भी हमने ग्रुप निकाले हैं ये सब हमारी ड्राइंग के हिसाब से निकाले हैं। ड्राइंग में जो दिया होता है वही हमें सब करना पड़ता है। और ये देख सकते हो आप कि सिंगल फीस में ही हम सारे ग्रुप निकाल कर और ये डिजाइन के ऊपर हमने ये सिंगल फीस जमाया है। वाकई में देखने में कितने अच्छा, मतलब ये ग्रुप और फीस लग रहा है। बाथरूम एकदम शाइनिंग बहुत अच्छी इसमें हमें दिखाई दे रही है डिजाइन की। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले। तो यार आप देख सकते हो कि वाकई में कितना सुंदर डिजाइन इसमें बनकर आया है। और ये सब ये मेहनत का करिश्मा है। तो यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, सलाम।